दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब स्वयं माँ काली को आना पड़ा अपने एक भक्त की जान बचाने। जी दोस्तों, नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ये सच्ची घटना को सुनकर आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से माँ काली ने अपने भक्त के शरीर में घुसकर विकराल रूप धारण किया और उसकी खतरनाक गुंडों से जान बचाई। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। ये कहानी हमको भेजी है दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली अंजलि जी ने। दोस्तों, अंजलि जी बताती हैं कि किस तरीके से स्वयं माँ काली ने उनके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार किया, उनकी खतरनाक गुंडों से मदद करके उनकी रक्षा की। वो कहती हैं कि वो माँ काली की परम भक्त हैं और हर शनिवार को जब भी उनके ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो जाती है तो वो माँ काली के मंदिर में जाकर श्री काली चालीसा का पाठ जरूर करती हैं। दोस्तों, उनके परिवार में उनकी माँ और उनकी एक छोटी बहन है। कुछ समय पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया जिसकी वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारी अंजलि पर आ टिकी। हम बता दें कि वो एक आईटी कंपनी में जॉब करती हैं और माँ काली की कृपा से उनकी नौकरी और उनका परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी मानवता पे शर्म आ जाती है। अगर उस दिन माँ काली की कृपा ना होती तो शायद उनका परिवार सड़क पर आ जाता। दोस्तों, अंजलि जी हमको बताती है कि ये बात उस दिन की है जब उन्हें ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई और अंधेरा हो गया। ये बात करीबन 8 बजे की है। आज काम भी इतना ज्यादा था कि वो फोन चार्ज करना भूल गई जिसकी वजह से उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई। ये पहली बार था जब वो इतनी देर से घर जा रही थी। वो हमसे आगे कहती है कि मैं अपने घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर थी लेकिन अचानक कुछ शराबियों ने उनका रास्ता रोक दिया और मुझे छेड़ने लगे। लेकिन काफी मना करने के बाद भी उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। दोस्तों, मेरा मन काफी घबरा गया था और वो मुझे इतना परेशान करने लगे कि मैं बेहोश तक हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद उन लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने मुझे किसी सुनसान जगह में ले जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, मैं बेहोश तो जरूर थी मगर मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था और मैं सब कुछ महसूस भी कर पा रही थी। उन्होंने मुझे उठाकर गाड़ी में ले जाने की बात कही और वो मुझे उठाने लगे। दोस्तों, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, तभी अचानक मुझे मेरे पूरे शरीर में हजारों वाट का करंट महसूस होने लगा और मैं एक विकराल रूप में खड़ी हो गई। दोस्तों, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है जो मैं अजीब सी हरकतें कर रही हूँ। अब मैं उन शराबियों की तरफ भागने लगी। दोस्तों, मेरे हाथ में इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि जैसे ही मैं एक शराबी को मारने के लिए अपने हाथ से थप्पड़ मारती हूँ लेकिन वो शराबी वहां से हट जाता है और मेरा थप्पड़ गाड़ी पे लग जाता है जिस वजह से उस गाड़ी का बोनट पिचक जाता है, जिसे देख वो सभी शराबी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं उनकी तरफ भागती हूँ तो वो सब मुझसे डर के भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब माहौल एकदम से शांत हो गया और मैं भी एकदम ठीक हो गई तो मैं अपने घर चली गई। घर पहुंचकर जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि यह माँ काली का आशीर्वाद और कृपा है। तब से माँ काली की कृपा से मेरे परिवार में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी अंजलि जी के साथ हुई उस रात की घटना जो उन्होंने आज हमारे साथ साझा की। अब आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी कोई चीज थी जिसने उनकी मदद करी या सच में वो काली माँ थी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।